स्टडी विद सुबो चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है और आज का वीडियो थोड़ा सा हट करके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हट करके बनाया गया है। आज का वीडियो ज्ञानवर्धक तो है ही है, साथ में थोड़ा सा मनोरंजक भी है। दोस्तों तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं जो आसपास घटित हो रही होती हैं और हम उनका कारण जानना चाहते हैं लेकिन कहीं से स्रोत मिल नहीं पाता है, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें भी एक ऐसी घटना का उल्लेख किया गया है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जानना चाहते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है या सूर्य का रंग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं और बच्चों के दिमाग में स्वतः रूप से आते हैं, उनका जवाब वो जानना चाहते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है दोस्तों कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। ये समझने के लिए आइए समझते हैं कि प्रकाश का नेचर क्या है, प्रकाश किस तरह से चलता है, फैलता है और किस तरह से हमें जो है रंग दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पार्टिकल पर, पार्टिकल यानी कि कोई कण पर पड़ता है तो वहां पर वो फैल जाता है। जैसे प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ा तो यहाँ पर फैल गया, फैल जाता है। तो फैलने का भी कई सिस्टम है, यानी प्रकाश किरण अगर किसी शीशे पर पड़ेगा तो फैलेगा नहीं, वो सीधे वापस आ जाएगा। तो बहुत छोटे पार्टिकल पर अगर पड़ता है तभी वो फैलता है, अगर बड़े पार्टिकल पड़ेगा तो नहीं फैलेगा वो। तो यानी फैलने के लिए भी एक उसका जो है मापदंड होना चाहिए, एक जो है माप होना चाहिए, उस माप के हिसाब से होगा तभी फैलेगा। वो माप क्या है? माप है इसके जो प्रकाश किरण है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलता है। तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे और बहुत ही कठिन टर्म नहीं समझेंगे, आसान शब्दों में ही समझेंगे इस पूरे क्वेश्चन का जवाब। तो ये जानिए कि अगर प्रकाश किरण किसी पार्टिकल पड़ती है तो वहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं उस किरण को फैला देते हैं और वो जो प्रकाश किरण है जिस रंग की होगी वो पार्टिकल उस रंग का दिखने लगता है। अगर लाल रंग की किरण आ रही है और पार्टिकल है बीच में तो पार्टिकल लाल रंग का ग्लो करने लगेगा, रेड कलर का ग्लो करने लगेगा और उस तरह से वो पार्टिकल जो है रेड कलर की दिखने लगेगी। ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी फैलाव, यानी प्रकाश कितना फैलता है इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर हम ये जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सात रंगों से मिलकर बना है, ये हमें पहले से पता होता है, अधिकतर हम लोग जानते रहते हैं। अगर नहीं जानते तो भी आप जान लीजिए कि जो सफ़ेद रंग की किरण है, सफ़ेद रंग का प्रकाश है, वो सात रंगों से मिलकर बना होता है। यानी सूर्य की किरणें किस रंग की होती हैं? सफ़ेद रंग की होती हैं। तो सूर्य किरण में सात रंग मिले होते हैं। कौन कौन सात रंग होते हैं अगर हम जानना चाहते हैं तो हम एक प्रिज्म के माध्यम से इसको देख सकते हैं। प्रिज्म क्या होता है? एक कांच या गुटका टाइप होता है और उस गुटके पर प्रकाश किरण अगर हम लेके जाएं इस तरह से तो वो सात रंगों में विभक्त हो जाता है। और सात रंग कौन कौन से होते हैं? इस तरह से विभिन्न कलर होते हैं, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सात रंग होते हैं। तो सात रंग में वो पूरा पूरा बटा होता है। तो अगर किसी पार्टिकल पर ये सातों रंग यानी कि व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल जो है उसको अपने हिसाब से फैलाता है। वो सातों रंग एक जैसे नहीं फैलते हैं, सातों रंग के फैलने का अपना अलग अलग तरीका है। यानी अब हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो रंग है ये रंग अलग अलग हिसाब से फैलते हैं, कोई रंग ज्यादा फैलेगा, कोई कम फैलेगा, कोई बहुत ज्यादा फैलेगा। तो अब ये भी जानना पड़ेगा हमें कि कौन सा रंग कैसा फैलता है, कितना फैलता है। तो ये जानने के लिए आप ये जान जाइए कि जो सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग होता है बैंगनी और सबसे कम फैलने वाला रंग होता है लाल। अब समस्या ये बात की कि हम कैसे मान लें कि ये सबसे ज़्यादा फैलता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनके वेवलेंथ पर। वेवलेंथ क्या होता है? ये सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप ध्यान रखेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छे समझ जाएंगे तो फिर भूलेंगे नहीं कभी। ये मान लीजिए कि प्रकाश को हम लोगों ने अभी तक देखा है तो किरण पुंज के रूप में देखा है, प्रकाश को जब भी देखा है तो किरण पुंज के रूप में यानी रेज के रूप में देखा है, रेज ऑफ लाइट, सन रेज ऑफ लाइट, इस तरह हम लोगों ने देखा है। लेकिन इनका एक रूप ये भी है वेव्स, यानी तरंग के रूप में चलती हैं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी चलती हैं। तो अब ये जान लीजिए कि जो बैंगनी रंग है, जामुनी रंग है, इनका भी तरंग रूप ऐसे से होता है।
लाल रंग का भी तरंग रूप होता है, लेकिन इनके तरंग रूप में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो बैंगनी रंग है उसके तरंग बहुत सिकुड़े सिकुड़े होते हैं, कम कम दूरी पर होते हैं। यानी अगर हम ऐसे लिखें VIBGYOR, तो अगर हम इसका बनाएं ऐसे, तो इसके इसके जो तरंग है ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से होते हैं, यानी काफी नजदीक नजदीक होंगे। अगर इसका बनाए हम लोग तो थोड़े दूर दूर होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और रेड का बना दें अगर हम लोग तो काफी दूर दूर होंगे। अब जो ये है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही स्ट्रक्चर जो है इसकी अच्छे से व्याख्या कर पाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाएगा। देखिए क्या है कि ये जो 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 तरंग है इनके बीच में गैप बना हुआ, ये गैप है ना, छोटे छोटे दो हाइट के बीच में गैप है। हाइट को अलग नाम दिया गया है, कृष्ण नाम दिया गया है, सिंह नाम दिया गया है, तो इनके बीच में गैप है। यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है। तो इनके तरंग दूर दूर होते हैं, इनके तरंग नजदीक नजदीक होते हैं। तो इनके तरंग जब नजदीक नजदीक होंगे, यानी सिकुड़े सिकुड़े होते हैं, इसलिए ये अपने साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें टकरा करके फैल जाते हैं। और इनके जो साइज के पार्टिकल होता है वातावरण में, वो इनके साइज का पार्टिकल बहुत कम मिलता है, इसीलिए ये फैलता नहीं है ज्यादा। तो रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ इसको वेवलेंथ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है सातों रंग में, तो वो फैलता नहीं है, यानी कि वो सीधा चला जाएगा, यानी डिस्टर्ब नहीं होगा वो। और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो डिस्टर्ब ज्यादा होगा, यानी उसको हल्का पार्टिकल आया तुरंत बिखर गया। अब समस्या इस बात की है कि जो बैंगनी रंग है उसका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होने को जैसे बिखरता बहुत ज्यादा है, तो अब जो सबसे ज्यादा बिखरेगा वही दिखेगा बाहर, वही दिखता है बाहर। तो अब बैंगनी रंग ही बिखरता है इसलिए बैंगनी रंग दिखता है। अब दिक्कत ये फंसती है, क्वेश्चन ये आता है कि बैंगनी रंग अगर इतना ज्यादा बिखर रहा है तो फिर आसमान बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखता है? बिखरने वाला तो बैंगनी रंग है, तो बैंगनी दिखना चाहिए, लेकिन बैंगनी नहीं दिखता है, दिखता है नीला रंग। तो अब जानिए आप कि बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखता है आसमान, नीला रंग का ही क्यों दिखता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यानी हम अपने क्वेश्चन का स्पष्टीकरण यानी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, उस बीच बीच में नए नए क्वेश्चन भी अराइज हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन मिलाई हो, नए नए टर्म्स आपको मिल रहे हैं। स्कैटरिंग आप लाइट आपने देखा, फिर देखा कि इसका वेवलेंथ क्या होता है वे देख लेगा, फिर नया एक चीज देखा कि कम वेवलेंथ वाला जो होता है, कम वेवलेंथ वाला वो फैलता बहुत ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ वाला वो फैलता कम है, ये समझ लिया है। तो अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कम वेवलेंथ वाला बहुत ज्यादा फैलता है, बैंगनी रंग बहुत ज्यादा फैलता है। लेकिन बैंगनी रंग अगर इतना ज्यादा फैलता है तो बैंगनी रंग का दिख रहा क्यों नहीं आकाश? इसका जवाब हम सुनने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे आंखों की सेंसिटिविटी कुछ हिसाब से तय होती है कि हम कितने से कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले प्रकाश को देख सकते हैं और कितने बाद के नहीं देख सकते, कितने कम के नहीं देख सकते। यानी हमारी आंखें जो होती हैं वो किस रंग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और किस रंग के प्रति कम सेंसिटिव होती है, ये भी माने रखता है। जैसे कलर डिटेक्शन जो होता है, यानी आंखों की जो सेंसिटिविटी होती है कुल मिलाकर कहें तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर, अगर कोई ऐसा प्रकाश है जिसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच है, तो हमारी आंखें उसको अच्छे से देख पाती हैं, और इसके अगर ज़्यादा है या इससे अगर कम है तो हमारी आंखें उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगी। यानी कुल मिलाकर के हमारी आंखें उस तरह के वेवलेंथ को नहीं देख पाती हैं जो इससे इस रेंज के बाहर हो। अब बैंगनी रंग और जामुनी रंग की बात करें अगर, तो बैंगनी रंग होता क्या है, बैंगनी रंग फैलता तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आंखों के सेंसिटिविटी जो है, अगर हम देखें ग्राफ के माध्यम से, हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से देखें तो आंखों की सेंसिटिविटी जो होती है सर्वाधिक ब्लू रंग के प्रति होती है। ब्लू रंग के प्रति आंखें हमारी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी ब्लू रंग हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है। और बैंगनी रंग क्या होता है, बैंगनी रंग भी दिखेगा लेकिन बैंगनी रंग जो है उससे थोड़ा सा कम दिखेगा, नंबर एक बात है। नंबर दो बात है कि बैंगनी रंग जब एटमॉस्फेयर में फैलता है तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन की परत जो है हमारे वायुमंडल में है, वो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने काम करता है। तो उस वजह से बैंगनी रंग की जो भी किरणें गई रहती हैं उनमें से काफ़ी किरणों को वो अवशोषित कर चुका रहता है, तो बहुत ही हल्की बहुत ही कम मात्रा में बैंगनी रंग या जामुनी रंग हमें वातावरण में दिखता है। और चूंकि बहुत कम मात्रा में होता है तो फैल चुका रहता है तो दिखता भी नहीं है वो।
तो दिखने वाला जो कलर होता है वो सीधे सीधे नीला रंग होता है, यानी नीला रंग ही ऐसा रंग होगा हम देखें। क्योंकि बैंगनी जामुनी के बारे में हमने क्या रीजन बताया, बैंगनी रंग जामुनी रंग दिखता तो जरूर है, फैलता जरूर है, लेकिन आंखों की सेंसिटिविटी एक तो बैंगनी रंग के प्रति हमारी कम होती है, जामुनी रंग के प्रति आंखों सेंसिटिविटी कम होती है। दूसरी बात कि बैंगनी और जामुनी रंग ओजोन के परत द्वारा कुछ मात्रा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब अवशोषित हो जाते हैं तब होता क्या है कि ये बैंगनी और जामुनी रंग पूरे वातावरण में उतने मात्रा में फैल नहीं पाते हैं, कम मात्रा में होते हैं, तो कम वो दिखते हैं, फिर वो दिखते नहीं हैं, बहुत बहुत हल्के मात्रा में होते हैं। इसीलिए नीला रंग जो होता है वही ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, वही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और पूरे एटमॉस्फेयर में नीला रंग ही दिखता है।